हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। हम सभी भी यहाँ पे ठीक ठाक हैं, फिट एंड फाइन। माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी हुई है और वैसे भी नवरात्रे चले हुए हैं, तो यहाँ पर आज देख सकते हैं आप प्रियंका से वाणी ने पूजा की थाली छीन ली है और बोल रही है कि आज की पात्री मैं दूंगी और सारे की सारी पूजा पाठ अच्छे से मैं ही करूँगी। तो ये मेरे अर्ली इन द मॉर्निंग के मोमेंट हैं, आप सभी लोगों के लिए मैंने कैप्चर किए हुए थे। तो यहाँ पर मेरी बेटी रानी वाणी को देखकर मुझे भी बहुत हैरानी हो रही थी कि ये डे बाय डे देखिए किस तरह से बड़ी हो रही है, चीज़ों को सीख रही है। और हमारे आज के ब्लॉग में यूँ ही कंटिन्यू बने रहिएगा। आज मेरी प्रियंका और वाणी की आउटिंग हो रही है, तो हम कहीं पर जा रहे हैं और आप लोगों के साथ भी एक्सप्लोर करेंगे उन चीज़ों को। तो यूं ही स्टे ट्यून बने रहिए इस वाले ब्लॉग में आके। वाओ सर, आज तो आप पहचान नहीं जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? नहीं, ऐसी क्या बात होगी, आज थोड़ा सा आउटफिट चेंज की तो ऐसा क्या, आप इतने नजदीक के पड़ोसी होकर आप इग्नोर कर रहे हैं हमें। वाओ सर, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप तो। थैंक यू सो मच। और तो भैया, आज ऐसा है कि प्रोग्राम है एक, उसी के ही रिगार्डिंग हम जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो प्रियंका के ताया के बेटे का मतलब जड़ोलन जा रहा है। हाँ जी। तो उसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं मैं, मेरे साथ मेरी बिटिया रानी वाणी है जी। और प्रियंका है जी। तो हम तीनों ही जा रहे हैं, बाकी जो ये ऊपर वाली मेरी कमरी है जी जी, इसकी मैंने मैचिंग रखी हुई है अपनी बेटी बाणी के आउटफिट के साथ। तो बाणी को भी आप लोग दिखाइए अंदर जी। मैं आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कैमरामैन को जी, जी। थोड़ा सा बाणी को भी दिखाइए प्लीज। यस सर, ओके। तो ये देख सकते हैं भैया आप आउटफिट हमारी, और जा रहे हैं आप फंक्शन को अटेंड करने के लिए। और हमारे ज्यादा स्माइल आ रही है फेस के ऊपर कैमरामैन के, तो पता नहीं भाई अब कैसे लग रहे हैं हम। बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई, बहुत अच्छे। पड़ेगा वीडियो जब ये पूरी पूरी कंप्लीट कर देगा। और हमारी गुड़िया रानी तो बहुत ही अच्छी लग रही है आज बाणी। हेलो बाणी, टाटा हाय बोल दो। तो चलिए निकलते हैं अब अपनी डेस्टिनेशन के लिए। तुम्हारे घर से बाहर ही एक ट्रैवलर गाड़ी ने हमें पिकअप किया और साथ ही साथ ओरिजिनल साउंड को इसलिए मैंने बंद किया हुआ है यहाँ पे। ओवरवॉइस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे गाने बज रहे थे जोर जोर से, फिर कॉपीराइट का इशू रहता है। बाणू देखो देखो मुन्नू, शेर शेर हाँ वही शेर है नानी जी, शेर है वाणू। तो हमारे हिमाचल में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है जो ये प्रोग्राम चला हुआ है। जैसे कि आप लोगों को बता दिया है, प्रियंका के ताया के बेटे के जड़ोलन लेकर जा रहे हैं, तो जो इनकी कुल देवी देवताएं हैं उनको सबसे पहले मनाना पड़ता है ढोल नगाड़े और ये बाजा आप लोग देख सकते हैं। तो ये मंदिर के लिए ले गए थे और कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छे से पूजा पाठ करनी पड़ती है यहाँ पर ताकि देवी देवता अच्छे से मान जाए। इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए मेरे सबसे बड़े मामा जी भी आए हुए थे, तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारे ब्लॉग में पहले से इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है आप सभी लोगों के साथ, लेकिन जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ ये मेरे सबसे बड़े मामा जी हैं। और हमारी बिटिया रानी वाणी के साथ इनकी खूब बनती है, वाणी ने भी इनको मतलब एक ही झलक में पहचान ली और दादा दादा करके बोलने लग गई थी। फंक्शन होने से देखिए इतना फ़ायदा तो हो जाता है, जो भी रिलेटिव आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे का हालचाल भी पूछ लेते हैं, क्योंकि आजकल की इस भाग दौड़ भरी दिन दुनिया में किसी के पास किसी के लिए ज़रा सा भी छोटा सा टाइम तक नहीं है। तो जब भी फंक्शन होते हैं तो रिलेटिव एक दूसरे से मिल भी लेते हैं और अच्छे से हालचाल भी पूछ लेते हैं कि भाई लाइफ कैसी चल रही है, क्या नया चल रहा है लाइफ में, और आजकल क्या कुछ मतलब अगर नई चीज़ कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आजकल, इस तरह से। और बाकी पूरे किथन किन्स भी मिल जाते हैं, सारे कज़न वगैरह के साथ भी ठीक ठाक बातचीत हो जाती है और साथ के साथ इंजॉय भी खूब होता है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे डांस चला हुआ है, ये सारे के सारे मेरे कज़न वगैरह हैं। मंदिर में पूजा पाठ कंप्लीट करने के बाद और कुल देवी देवताओं को मनाने के बाद अब हम जा रहे हैं प्रियंका के ताया के बेटे के मामा के घर में, और जो फंक्शन है वहीं पर ही होता है। जड़ोलन अक्सर मामा जी के घर पर ही लेकर जाते हैं।
up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine. तो फंक्शन भी काफ़ी बड़ा था और आप लोग देख सकते हैं सारे के सारे रिलेटिव वगैरह जा रहे हैं, तो कुछ इस तरह से पतला पतला रास्ता भी था, काफ़ी संभल कर चलना पड़ रहा था, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आया और सबके साथ मंडियाली धाम खाने को मिली काफ़ी दिनों के बाद, तो मज़ा तो आना ही था भाई। हालांकि ये सब चीज़ें जो यहाँ पर देख रहे हैं आप सभी लोग, तो बाणी के लिए फर्स्ट टाइम ही है, बाणी की लाइफ में बाणी फर्स्ट टाइम देख रही है इन चीज़ों को, तो इसी तरह से सीखता है बच्चा और हम अपने कल्चर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसी तरह से सीखते हैं हम। तो लो जी, हम पहुँच गए हैं अब यहाँ मामा जी होली के घर में, जिनके घर पर फंक्शन है, चिल्ड्रन लेकर आए हुए हैं ये, और प्रियंका के भाई से भी मैं आप लोगों को मिलवा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मेरे साथ बैठे हुए हैं वो प्रियंका के ताईजी के बेटे हैं, प्रियंका के भाई, और इन्हीं का ही चिड़ोलन यहाँ पर लेके आए हुए हैं, और जिसका घर में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं ये है इनके मामा जी का घर। इसके बाद आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ एक हिमाचली लोकगीत, और साथ के साथ यहाँ पर लेडीज़ फन भी कर रही थी, तो वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, आप भी इसको इन्जॉय कीजिए थोड़ी देर। बाकी चिड़ोलन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ, चिड़ोलन में भी बिल्कुल शादी की ही तरह रस्में निभाई जाती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक दूल्हे की तरह पहले प्रियंका का भाई यहाँ पे नहलाया इन्होंने, इसको बटना वगैरह भी दिया, और उसके बाद यहाँ पर लोकगीत गाए जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट उसी तरह का होता है, और ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप इसको शादी के बाद भी दे सकते हो, लेकिन शादी से अगर पहले दे दें तो ये और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। जितने में ये सारे रिचुअल्स यहाँ पर निभाए जा रहे थे उतने में बिजी था कुक मंडियाली धाम को बनाने में, तो मंडियाली धाम तो भाई हमारी जान है, और धाम का लुत्फ उठाए बिना फंक्शन अधूरा ही माना जाता है हमारे यहाँ पर। तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगा यहाँ पर कुछ डिशेज, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी, टेस्टी लगी। तो ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले ये बना हुआ है मीठा, बदाने का मीठा बना हुआ है ये, और एकदम जलेबी से भी ज़्यादा टेस्टी होता है ये खाने में। और ये बना हुआ है यहाँ पे मथुरा, तो ये बना हुआ है कचालू का मथुरा, और ये है दाल मखनी, और ये बना हुआ है खट्टा, और ये खट्टा बहुत ही ज्यादा स्पेशल था और टेस्टी भी लगा मुझे। तो ये चने का खट्टा बनाया हुआ था इन्होंने, और मटर पनीर बना हुआ है यहाँ पे, और इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा इन्होंने देखिए गाढ़ी बनाई हुई थी, तो इतना टेस्टी लगा ये तो पूछिए मत, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था सच्ची में ये मटर पनीर। और ये बनाई हुई है कढ़ी, तो ये गोभी की कढ़ी बनाई हुई है इन्होंने, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी मुझे। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वाला ब्लॉग? आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी हमारे चैनल के रिगार्डिंग कोई भी सुजेशन हो आप लोगों के पास, तो आप अपनी सुजेशन को भी जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू, हम आप लोगों के कमेंट को डेली बेसिस पर रीड करते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों से इजाज़त ले रहा हूँ इस वाले ब्लॉग को एंड करने की यहीं पर ही, और फिर से मैं एक बार आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और हमारे ब्लॉग आप लोगों को पसंद आ रहे हो तो लाइक और शेयर तो बनता ही है, और साथ के साथ जितने भी न्यू व्यूअर्स हमें देख रहे हैं हमारे चैनल पर विजिट किए हैं वो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर।